नमस्कार किसान भाइयों, मैं आज आपको लेकर आया हूँ सोयाबीन की मंडी में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि सोयाबीन का मार्केट में क्या रेट है और आने वाले दिनों में क्या रेट हो सकते हैं सोयाबीन को। आपने हमारे थंबनेल पे देखा ही होगा कि 7000 के भाव को हमने क्वेश्चन मार्क करके रखा है। हम अभी आए हैं सोयाबीन के मंडी में और देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ सोयाबीन। ये सोयाबीन सेकंड ग्रेड का है इस मार्केट में और मैंने अब तक के जो भी सोयाबीन देखे हैं वो सोयाबीन अच्छे ही दिखे थे मार्केट में, और कोई कोई सोयाबीन की क्वालिटी जो है सेकंड ग्रेडिंग में या थर्ड ग्रेडिंग में है, और कोई कोई सोयाबीन जो ऐसा है जो ज़्यादातर करके मिट्टी वाला है। और ये सोयाबीन जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये सेकंड ग्रेडिंग है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़े बहुत मिट्टी है, थोड़ा बहुत डैमेज भी दाना यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन इस सोयाबीन को मार्केट में अभी भी अच्छा खासा रेट नहीं है दोस्तों। आज मार्केट में लगभग 4200 या 4300 रुपये तक की सोयाबीन को रेट चालू है, और कई दिनों से सोयाबीन को यही रेट चालू है। स्टार्टिंग में सोयाबीन को 5200, 5400, 5500 तक के रेट गए थे, लेकिन जब से मार्केट में ये भाव घसरना चालू हो गया, भाव में गिरावटें चालू हो गई, तब से भाव में वो गिरावटें ही चालू है। तब से कोई भी भाव ये दाम में बढ़कत नहीं आई है दोस्तों। और ये मैं आपको सोयाबीन दिखा रहा हूँ, ये सुपर सोयाबीन मार्केट में दिखा था मुझे, मैंने देखा था ये बहुत अच्छा सोयाबीन था और इसको सिर्फ 4250 रुपये रेट मिला है। किसान भाइयों, आप सोच सकते हैं कि किसानों की अब कितनी बुरी हालत चालू है। अभी इस साल जो व्यापारी लोगों ने सोयाबीन स्टॉक करके रखा था उनका भी बहुत ही हालांकि मैं बहुत लपड़ा चालू, और ये भी मिट्टी की सोयाबीन देख सकते हैं आप, इसको भी 3000 या कुछ तो भी रेट मिला है, उससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा मिट्टी है, इसको भी 2800 या 2700 कुछ तो भी रेट मिला है। मैं पूरी मंडी जब घूमा तो मंडी में पूरे सोयाबीन में देखा कि कितना परसेंट मिट्टी है, कितना परसेंट उसमें ख़राब वाला सोयाबीन है और कितना परसेंट अच्छा सोयाबीन है, इसकी जानकारी ही मैं आपको देने वाला हूँ दोस्तों। तो देखिए, ये किसान भाई यहाँ मार्केट में आए हैं, सभी किसान भाई नाराज़ दिख रहे हैं क्योंकि सोयाबीन की फसल इस साल अच्छी भी नहीं हुई और उसके साथ ये जो रेट है वो रेट भी अच्छा नहीं मिल रहा है। जिन जिन व्यापारी लोगों ने इस साल सोयाबीन का स्टॉक किया है वो सभी अभी घाटे में ही होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब सोयाबीन का दाम कम रहता है तब हर साल कोई भी व्यापारी लोग खरीदी करते थे, लेकिन स्टार्टिंग में ही इस साल में सोयाबीन को रेट अच्छा था तो किसान भाइयों को लगा कि अभी इस साल स्टार्टिंग में इतना रेट है तो आगे जाके बढ़ेगा ही, लेकिन ये सब उल्टा हो गया। स्टार्टिंग में रेट ज़्यादा और अभी जैसे जैसे दिन बढ़ रहे उसे रेट कम हो गए, इसमें व्यापारी लोगों का भी घाटा हो गया और जो जो जिन जिन काश्तकारों ने सोयाबीन अपने घर में स्टोर कर रखा उनका भी लॉस हुआ है दोस्तों। तो मैं अगला रेट के बारे में जानकारी आपको जल्दी लाऊंगा, तब तक के थैंक यू सो मच।